दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि अपलोड से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ रखा है कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा हलचल हो रही है, तो हम डायरेक्ट ज़्यादा समय खराब ना करते हुए सीधा चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो में दी जा रही जानकारी से कुछ फ़ायदा होता है या आपको समझ में आती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसा कि दोस्तों हम पहले थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट कैंडल वाला है, हम इसको लाइन में कर देते हैं या OHLC पर कर देते हैं या लाइन में ही समझें। तो आपको दिख रहा होगा लगातार 14 अक्टूबर से 28,500 से ये हाई बनाया है इन्होंने, 31,115 के आसपास का, यानी कि लगातार अब ट्रेंड में चल रहा है। हल्का बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रेटेजी होती है वो लगातार अभी इसमें चल रही है। लेकिन ये जो अभी डिक्लाइन आया था कल, ये थोड़ा सा बड़ा डिक्लाइन दिख रहा है क्योंकि ये जो पॉइंट है इससे ज़्यादा नीचे आ गया है। अगर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी होती या बाज़ार में वो फॉलो हो रही होती तो इसके नीचे नहीं आता। प्राइजेक्शन यहाँ से, अगर हम प्राइजेक्शन की बात करें तो प्राइजेक्शन ने यहाँ से ट्रेंड चेंज कर लिया है, यानी कि लोअर लो दिखा दिया है यहाँ का मंथली चार्ट पे। अब हम थोड़ा वीकली चार्ट पे चलते हैं तो चीज़ें समझ में आएगी आपको। वीकली चार्ट में ये वीक अपना स्टार्ट हुआ था 7 नवंबर को और आज है 14 तारीख। तो दोस्तों इसने एक तरह का हाई बनाया है करीबन 31,000 के ऊपर, 31,100 के आसपास। फिर अगला हाई बनाया 31,200 के आसपास, यानी कि 100 पॉइंट का अगेन इसने बड़ा सा मूव दिया है। अब देखने वाली बात यह है दोस्तों, यहाँ तक तो प्राइजेक्शन चल रहा था, फिर लोअर लो बनाया, फिर अगली बार फिर लोअर लो बनाया और यहाँ से प्राइजेक्शन करेक्शन में आता, लेकिन कोई ज़्यादा सफिशिएंट मूव हमें यहाँ दिखा नहीं। और अगेन 13 तारीख को जो गिरावट हुई उसके हम सब साक्षी बने, और 14 तारीख को यहाँ पर बायर और सेलर दोनों को लपेटा है। जैसे मार्केट ओपन हुआ 9:15 पर डिक्लाइन आया शार्प तरीके से, पुल बैक दिया उसने। अब ऐसी स्थिति में होता क्या है, जब मार्केट खुलता है 9:15 आदमी सोचता है डाउन ट्रेंड चल रहा है कल का इसने, अब ये जो देखिए ये जो लो बनाया है यहाँ पर 30,512 या 10 के आसपास, आदमी यहाँ पर सोचता है 9:22 पर चलो कल का इसने लो तोड़ दिया है, शॉर्ट कर देते हैं। अब वो लो तोड़ता है, शॉर्ट करता है और उसे कुछ पॉइंट मिल जाते हैं। अब कितने पॉइंट मिले ये हम देख लेते हैं इसमें। यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ टिक चल रही है 500 को इसने लो बनाया है करीबन 300, यानी कि 150 पॉइंट। अब जिसने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया है वो तो ठीक है, बच गया होगा, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो टाइमली प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। तो उस स्थिति में आज वो जो यहाँ सेलर बने थे वो आज अच्छे खासे तरीके से ट्रैप हुए और यहाँ से फिर इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ बायर को ट्रैप करा, अगेन यहाँ सेलर को ट्रैप करके ऊपर जाते हुए। अब यहाँ पूरा दिन आप देखिए कितने हाई लो बनाए, एक लो बना दिया, फिर हाई बनाया, फिर हाई बनाया, फिर हाई बनाया और फिर लो बना दिया। ऐसे ही इनको, अब ये नॉर्मली जो ऑप्शन सेलर होते हैं जो कॉल और पुट दोनों बेचते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद चीज़ होती है। अब जो रिटेल हैं आपकी जैसा मेरे जैसा जो साधारण 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये से ट्रेड करता है, उन लोगों के लिए इस तरह की एक्सपायरी थोड़ी नुकसानदेह होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो आज मैंने वीडियो में समझाया वो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक बटन दबाइए और चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ अब डेली वीडियो आपको डालकर बताता रहूँगा कि दिन कैसा रहा, हमें आने वाले दिनों में क्या ट्रेड लेना चाहिए, क्या रणनीति बनानी चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।